इतना बताए तो आपको कि खाली लोकेशन ही 700 साल पुरानी लोकेशन है। वहाँ बेवकूफ़ी है हमारे लिए आज कि हम फेस्टिवल वाले दिन आए, क्योंकि क्या हो गया? पेट्रोल? चलो मैं भी जा ही रहा हूँ उधर ही। आई करो, थोड़ी सी आई करो। इस रोड पे किसी को देखा करो तो हेल्प जरूर किया करो भाई लोग। पता नहीं कौन किस परेशानी में जा रहा है, कौन किस जल्दी में जा रहा है, कौन किस परेशानी में है, जो बिना बाइक को चेक करे हबड़ा दबड़ी में निकल गया। तो प्लीज़ जितना हो सके हेल्प किया करो रोड पे लोगों की। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो भाई आज है ईद का सेकेंड डे और रमज़ान बहुत बढ़िया गए हैं। होप कि आप सबके भी बहुत अच्छे रहे होंगे और आप सभी लोगों को मेरे चैनल की तरफ से ईद मुबारक। जो जितने भी आउट ऑफ इंडिया से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी दिल से ईद मुबारक। तो भाई वीडियो लेट हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज हम एक आपको लेके जाएंगे एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, जैसे कि फेस्टिवल पे, ईद, बकरीद, दिवाली, होली, इन सब फेस्टिवल्स पे लोग बहुत ज़्यादा, खास करके कपल्स यहाँ आते हैं घूमने के लिए। तो दिखाते हैं आपको वो जगह चल के। दिल्ली वाले तो रोड देखते ही पहचान गए होंगे कि कौन सी जगह हम आए हैं। जो हमारे अदर साइड लोग हैं उनको पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्राउड है रोड पे, ट्रैफिक देख के पता लग रहा है कि आज बहुत ट्रैफिक होगा यहाँ पे। जैसे बाहर ट्रैफिक है ऐसे ही अंदर भी ऐसे ही क्राउड होगा बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर आए थे पुराना किला, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है फेस्टिवल के चलते हुए, तो हमें अभी टिकट नहीं मिल पाया। हम यहाँ पर कम से कम 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, तो टिकट तो हो नहीं पाया है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस जैसे कि हम यहाँ पर पुराने किला आए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, एकदम फेस्टिवल के दिन तो आना यहाँ पे एकदम बेकार है, बेवकूफ़ी है बिल्कुल। तो हमने कम से कम यहाँ पे 1 घंटा टिकट के अंदर लाइन में लगाया, लेकिन हमें टिकट नहीं मिल पाया। तो हमने अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो अब चल रहे हैं हम, बताते हैं फिर कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाकी अभी हम आपको बाहर से ही दिखाते थे क्योंकि अंदर को तो हमें जाने को मौका नहीं मिल पाया, तो दिखाते हैं बाहर से। तो बस यही शॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज इस बार तो हम यहाँ पे अपना शूट नहीं कर पाए, लेकिन हम फिर से आएंगे यहाँ पे और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आपको इसके बारे में, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा भीड़ है तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं कोई शूट। तो इसलिए हम चलते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे यहाँ पे। इसलिए हमने सोचा कि लोकेशन छोड़ देते हैं अली। तो वहाँ बेवकूफ़ी है हमारे लिए आज कि हम फेस्टिवल वाले दिन आए, क्योंकि बिल्कुल सांस लेने तक की जगह नहीं है यहाँ पे, घूमने की तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट लोकेशन पे। लोकेशन के बारे में हम लोकेशन पर पहुँच के आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत पुरानी लोकेशन है। मैं इतना बताए तो आपको कि खाली लोकेशन ही 700 साल पुरानी लोकेशन है। तो चलिए पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है, कैसा है। मैं अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऑड लगा ये नाम, क्योंकि जिस तरीके से हमारा कंटेंट है उस तरीके का ये चैनल जच नहीं रहा है इसके ऊपर। तो गाइज हम पहुँचने वाले हैं, 500 मीटर रह गया है, तो शायद यही है दिल्ली W30 पार्क। इनसे ज़रा कंफर्म करते हैं,
ये शाही मस्जिद वाला रास्ता यही वाला है? यही है। वीडियो बना रहे हो? ये मेरे YouTube चैनल के लिए है, YouTube चैनल के लिए है मेरे जी। ये लिखा भाई इसका नाम, मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ ना मैं। बाइक चली जाएगी ना ऊपर? ठीक है, शुक्रिया भाई। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, मतलब एंट्रेंस बहुत प्यारी दे रखी है, कितनी खूबसूरत है। सच में दिल्ली से बिल्कुल छुपके है ये जगह, क्योंकि मेरे को भी मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट करी थी ये जगह, तो ये आ गए हैं हम। यहाँ पर एंट्री के लिए कैसे जाना पड़ेगा भाई? है तो बहुत अच्छी जगह है। कोई है बेटा गेट पे? कोई है गेट पे? कोई है? कौन है? कहाँ है? अंदर है। चलिए, मुझे लग रहा है यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, ये बैठे हुए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मस्जिद पे जाना था, मेरे को, मैं कुछ नहीं, मेरा एक वीडियो YouTube चैनल है, तो उसके लिए मुझे एक वीडियो शूट करनी थी। अभी अलाउ जी? ये बंद है मस्जिद, अभी कोई नहीं है। मेरे बाहर बाहर से शूट करना था मेरे को, तो बस ये बंद है। तो अंदर तक एक बार देखियो बस, खाली जाके शूट न करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं गार्ड हूँ यहाँ के। जब भी तो मैं आपसे पूछने के लिए रुका हूँ। मैं अलाउ नहीं है, 10 दिन बाद आइएगा। मदरसा बंद है, सब बंद है। ईद की वजह से छुट्टी है क्या? ईद की वजह से छुट्टी है क्या? अबे यार, कब से पड़ी छुट्टी है? अच्छा, ईद के दिन से। तो मतलब ईद 10 दिन बाद तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो तो इंचार्ज से मालूम करने पड़ेगा आपको। अच्छा, चलिए। तो लगता है हमारा नसीब कुछ ज़्यादा ही ख़राब है कि हम जिस भी लोकेशन पे जाते हैं शूट करने के लिए, वहीं मना हो जाती है। एंट्रेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी परमिशन नहीं मिली, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम अभी ईद की वजह से छुट्टियां हैं, तो अभी मदरसा बंद पड़ा है। चलिए फिर क्या कर सकते हैं, चलते हैं वापसी। पता नहीं क्यों हम जहाँ जा रहे हैं बेवकूफ़ क्यों बने जा रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब जिस भी लोकेशन पे जाने की कोशिश करते हैं वही लोकेशन पे कुछ ना कुछ होता है। ईद के दिन से, आज क्या तारीख है, 24, 21 तारीख से घूम रहा हूँ, सारी लोकेशनें बंद मिल रही है मेरे को, जहाँ जाता हूँ वही बंद होता है। चलिए फिर चलते हैं। आपके चैनल को मैं भी देखता हूँ। देख लीजिए भाई, बिल्कुल हम भी सब्सक्राइब कर देते आपका। कोई नहीं भाई, नाम इजी सा है, याद हो जाएगा। हेल व्हील राइडर के नाम से। बहुत बहुत अच्छे लोग मिले यहाँ पर हमारे को, तो शायद हमें शूट भी करने को मिल जाएगा। आएंगे फिर इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं फिर। और हाँ, हम आपको एक चीज़ बता दें गाइस, कि मैं अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऑड लगा ये नाम, क्योंकि जिस तरीके से हमारा कंटेंट है उस तरीके का ये चैनल जच नहीं रहा है इसके ऊपर। तो जल्दी मैं 4-5 वीडियो के बाद अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दूंगा, तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि हेल विल राइडर गायब हो गया। हेल विल राइडर हैगा, लेकिन किसी और नाम से आएगा इंशाल्लाह। तो फिर बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसी, और
लाइक कमेंट शेयर करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट लोकेशन पे किसी बढ़िया सी। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।